तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही सबसे सटीक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। आपको मालूम होगा कि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाता हूँ जिससे 100% जानकारी सही हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरओआर वैकेंसी को लेकर। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरओआर वैकेंसी को लेकर इस चैनल के माध्यम से कई बार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी आने वाली है, हाई कोर्ट के माध्यम से भी आने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जल्द देखने को मिलेगी। इसी महीने उम्मीद ज़्यादा है, अगस्त सितंबर बताया गया था, लेकिन इस महीने कभी भी विज्ञापन आ सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। यूपीएससी ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर पीटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटी 2023 में अच्छे मार्क लाना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन अब की बार होंगे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित अगर आपको कोई बुक मिल जाए जिसमें यूनिक प्रश्न हो जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए जबरदस्त एसटी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस गाइड के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जब व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 साल पेपर्स होगा 2022 सहित। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी कापी किताब की दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक कापी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड है और एक तरफ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है, चक्षु प्रकाशन का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए इसे परचेज करें। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा हाईकोर्ट की बात करें कि हाईकोर्ट के माध्यम से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की वैकेंसी कब तक निकाली जाएगी, वैकेंसी कब तक आएगी हाईकोर्ट में, तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर आपको बता दूं, अक्टूबर टू नवंबर तक किसी भी हाल में विज्ञापन आपके समक्ष होगा, जो कि आपके लिए बिग अपडेट है। पदों की संख्या अच्छी खासी है। कुछ लोग कहते हैं कि आरओ के पद अधिक कम होंगे और एआरओ के ज़्यादा होंगे, यह हमेशा होता चला आया है, कोई पहली बार नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार हमेशा एआरओ के पद ज़्यादा होते हैं और आरओ के कम होते हैं। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तैयारी पर फोकस करोगे सफलता मिलेगी, फालतू की बातों पर ध्यान दोगे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, यह भी अटल सत्य है। अब मैं बात करूंगा यूपीएससी पीटी को लेकर। यूपीएससी के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन आने वाला है। यूपीएससी पीटी 2023 के अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती आएंगी इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर की वैकेंसी भी पेट 2023 के अंतर्गत जा सकती है, एएसओ की वैकेंसी पेट के अंतर्गत जा सकती है, बीडीओ की वैकेंसी पेट के अंतर्गत जा सकती है, यानी कि पेट 2023 की मैं बात कर रहा हूं। तो पेट 2023 से आने वाली भर्तियां एएसओ, अकाउंटेंट, बीडीओ और लोअर इत्यादि। तो आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। अगर तो आपको पेट परीक्षा में अच्छे परसेंटाइल लाना जरूरी है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं आते हैं तो आप मानकर चलिए आपके लिए सब कुछ बेकार है, क्योंकि अब की बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अब की बार पेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब मैं बात करूंगा नई एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि नई एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दी जा रही है। एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगा, और जब से उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है तब से जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर दबाव बढ़ गया है। विज्ञापन कब तक आएगा, तो अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, और प्रतियोगी छात्रों के द्वारा पुनः दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अध्याचन पहुंचा है, जैसे ही दबाव बना विज्ञापन आपके समक्ष होगा। 1.5 से 2 महीने में आपको बता रहा हूं। एक और लेटेस्ट खबर मैं आपको देना चाहता हूं, इस साल नहीं बढ़ेगी निजी मेडिकल कॉलेज में फीस, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है।
गुरुवार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों में स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रम की फीस से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दूसरा वर्ष होगा जब निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में फीस वृद्धि नहीं की गई है। पॉलिटेक्निक को लेकर बड़ी अपडेट है। पॉलिटेक्निक में 30% ने छोड़ी प्रवेश परीक्षा, 70% ने परीक्षा दिया है, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, वन दरोगा भर्ती को लेकर आयोग की अच्छी पहल, दौर से पहले ओआरएस पिलाएगा आयोग। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग ने स्पष्ट किया है, आयोग के सचिव ने कहा है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभ्यर्थियों को जूस और ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, जिसे परीक्षण के दौरान कोई दिक्कत ना हो। लंबी दौड़ होगी तो दिक्कत की संभावना, इसलिए पहले ही सूचित कर दिया गया है। तो यह सबसे बड़ी और अच्छी पहल मैं मान रहा हूँ। एक और लेटेस्ट खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, इस साल नहीं बढ़ेगी निजी मेडिकल कॉलेज में फीस, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। निजी मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों में स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रम की फीस से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दूसरा वर्ष होगा जब निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में फीस वृद्धि नहीं की गई है। पॉलिटेक्निक को लेकर बड़ी अपडेट है। पॉलिटेक्निक में 30% ने छोड़ी प्रवेश परीक्षा, 70% ने परीक्षा दिया है, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, वन दरोगा भर्ती को लेकर आयोग की अच्छी पहल, दौर से पहले ओआरएस पिलाएगा आयोग। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग ने स्पष्ट किया है, आयोग के सचिव ने कहा है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभ्यर्थियों को जूस और ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, जिसे परीक्षण के दौरान कोई दिक्कत ना हो। लंबी दौड़ होगी तो दिक्कत की संभावना, इसलिए पहले ही सूचित कर दिया गया है। तो यह सबसे बड़ी और अच्छी पहल मैं मान रहा हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।